एआईसीसी राष्ट्र इंचार्ज माणिकराव ठाकरे मातलाडुतुन्नारु लाइव चूद्दाम। तो उनको सबक मिलता है वहां पे, देर से मिलता है लेकिन बिल्कुल सबक मिलता है। तो वही सबक अभी कर्नाटक से स्टार्ट हुआ है और 2024 के चुनाव भी हम बड़ी अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। योर एक्सपेक्टेशंस हाउ मेनी सीट्स? 125 के ऊपर जाएंगी कांग्रेस पार्टी 100%, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो भी रुझान आते हैं, जो पार्टी आगे चली जाती है मेजॉरिटी से, वो बढ़ती ही जाती है, वो कम होने का कोई सवाल नहीं है। अभी तक का जो हमारा अनुमान है, अनुभव है, उसके आधार पे कहते 125 के नीचे हम नहीं रहेंगे। देखिए, पूरी तरह कर्नाटक के बाद तेलंगाना कांग्रेस पार्टी 100% चुनाव विधानसभा का जीतेगी और यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएगी, इतना आप ख्याल में रखिए। वो धीरे धीरे होता है, हमें थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन आज की तारीख में हम पूरी तरह कांग्रेस पार्टियां जीतने की इसमें सभी कार्यकर्ता है, उस तरीके से सभी लोग काम में लगे एक साथ होकर। कर्नाटक निकलो यही अंशाल पनी कांग्रेस पार्टी। देखिए, यही परिणाम आपको तेलंगाना में भी दिखेगा। जो कर्नाटक में हम दिखाई पड़ रहा है, उसे क्या नजदीक बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स के लगकर हमारा तेलंगाना है। सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर यहाँ पे तेलंगाना में कांग्रेस को जितवाना चाहते हैं और 100% यहाँ पे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। प्रियांका सभा तो कांग्रेस ఎన్నికల ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టింది అనుకుంటారు, ఎన్నికలకు ఎట్లా సిద్ధమవుతుంది తెలంగాణ కాంగ్రెస్? देखिए, प्रियंका जी गांधी यहाँ पे जो उनकी सभा हुई, इसी से देखते हैं हम कि बड़ा एक माहौल बना हुआ है पूरे प्रदेश में। हम एकजुट है, सभी नेता एकजुट है, कार्यकर्ता पूरी तरह काम में लगे हुए हैं, हर जगह जगह पे यात्राएं निकाल रही है, कांग्रेस का प्रचार कर रही है। मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे संकेत है और कर्नाटक के चुनाव के बाद तो हमें कोई ये महसूस हो रहा है कि पूरी तरह हम अच्छी तरह मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में भी चुनाव जीतेगी, ये पूरा विश्वास हमें है।